एसएसपी प्रशिक्षित गुरिल्ला संघ को अब सुप्रीम कोर्ट से अपने भविष्य की आस बंध गई है। गुरिल्ला संघ की बैठक ढालपुर कुल्लू में आयोजित हुई, जिसमें कुल्लू और लाहौल के सैकड़ों गुरिल्लाओं ने भाग लिया। यह बैठक जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई और अखिल भारतीय गुरिल्ला संघ के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन प्रीतम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरिल्लों के हक में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को कहा कि गुरिल्लाओं के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ ना कुछ नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि यह उनकी पहली जीत है और अब 27 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि इस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पॉलिसी पेश करनी होगी और हमें उम्मीद है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा ने कहा कि अब सभी गुरिल्लाओं को बैठक में अवश्य आना होगा। उन्होंने कहा कि जो सदस्य बैठक में नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हमने पार कर दिया है, ये जो हमारी एक सबसे बड़ी जीत है। अगर ये केस हमारा डिसमिस हो जाता तो सब ऑल इंडिया के जितने भी गुरिल्ले हैं उनका वजूद खत्म हो जाता, लेकिन आज जो है हमारी एक फर्स्ट सबसे पहली जीत हुई है। और उन्होंने ये लिखा कि इनके लिए जो है पॉलिसी डिसीजन, सम पॉलिसी डिसीजन, कुछ न कुछ जो है इनके लिए नीतिगत नीति बनाई जाए और ये जो 4 हफ्ते में बन के आएगी, लेकिन वो क्या बनती है क्या नहीं बनती तो सरकार तो मुझे मालूम है, वो जो बहुत हल्की स्कीम बनाएगी उसके लिए हमको रिप्रेजेंटेशन लगानी पड़ेगी दोबारा, उसके लिए हमको अच्छे वकील करने पड़ेंगे। इसी के मद्देनजर आज हमने ये मीटिंग रखी है, उसमें जो हम जितने भी हमारे वॉलंटियर भाई हैं इनके लिए एक अच्छे से अच्छा पैकेज मांगेंगे और मुझे उम्मीद है ये हमको मिल के रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे भाई हमारे जो ये कहते हैं भाई ये तो सबका हो जाएगा, हो सकता है सबका, मैं नहीं बोलता, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए अगर हम लोग नहीं लड़ते, कभी तो 40-50 आते थे वॉलंटियर, उन्होंने बहुत योगदान दिया, अगर हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ते तो शायद ये इतने इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। हम लोग बहुत ज्यादा, हमने कम से कम 50 लाख रुपए से ऊपर खर्च किया है, वो इन भाइयों ने दिया है। अब न्याय की तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि अब तो मुझे पता है, ये तो एक अब क्लियर हो चुका है भाई 27 तारीख को फाइनल डिसीजन होने वाला है और जज महोदय ने जो है 23 तारीख को ही हमारे फेवर में फैसला सुनाया है। भाई इनके लिए आप स्कीम बनाओ और अब डिपार्टमेंट के ऊपर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी, वो जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो है होम मिनिस्ट्री, रिस्पोंडेंट नंबर 2 है एसएसबी वाले। अब जो पूरी तरह से ये गेंद सरकार के पाले में है, अब सरकार क्या बनाती है क्या नहीं बनाती, वो अगर कम बनाती है तो हम कोर्ट में लड़के लेंगे, तो अब ये नहीं पता कि इसको लागू होते होते तो टाइम लगेगा। ऑल इंडिया में इस वक्त हमारे साथ 7,000 से ऊपर गुरिल्ले हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो मेरे पास जुड़े हैं जो कुल्लू में यहाँ पर जो हमारे पास लाहौल स्पीति के 150 लाहौल स्पीति के हैं, 152 के करीब मंडी के हैं और बाली चौकी के 35 करीब बाली चौकी के हैं, बागी पुल के कोई 60 के करीब है, बाकी जो टोटल जो मेरे पास स्ट्रेंथ जो है 1085 की है। कुछ एक भाई जो आज भी जुड़ रहे हैं, उनको एहसास हो गया कि अब तो मिलने वाला है और हमने जो एक उनसे रिक्वेस्ट की थी, भाई कोई भी चीज है लड़के लो, भिखारी मत बनो। कुछ एक लोग जो हमारे भिखारी बने हैं, इसका होगा तो मेरा भी होगा, तो मैंने ये कहा था लड़के कोई चीज लो, तो वो इसमें जो हमने मोटिवेशन दी है उसका असर पड़ा है और वो जुड़ रहे कितने और जुड़